क्या पढ़ाया था? मैंने आपको गिनती पढ़ाई थी, है ना, जो मैंने आपको बताया था आप इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं उसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। लेकिन हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये मैंने आपको पढ़ाया था और बोला था कि इसको आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। आपने की होगी कुछ नहीं, है ना। फिर इसके बाद इसको हम लोग कैसे शब्दों में लिखते हैं उसको देखेंगे। कैसे लिखते हैं? 1, 2, दा पे ओ की मात्रा 2, ता पे बड़ी की मात्रा 3 और ना 3, फिर 4 पे बड़े आ की मात्रा और ना 4, फिर 5, 6, ये मैंने आपको ये बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों आपके सही होंगे, ठीक। फिर देखिए 7, 7 आपके बड़े अंक की मात्रा था 7, 8, आ और था 9, ना नापे ओ की मात्रा 9 और 10, इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं। इसमें किसकी मात्रा है? ओ की। इसमें किसकी मात्रा है? बड़ी अंक की। इसमें बड़े अंक की मात्रा, इसमें आ की और बड़े अंक की, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन है नहीं है ना, पर इसमें विसर्ग लग रहा है। बड़े आ की मात्रा, इसमें बड़े आ की, इसमें अ की मात्रा, और इसमें किसी की भी मात्रा नहीं है। इतना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंदी में आप गिनती पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप लोग कैसे पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसी तो पढ़ते हैं इंग्लिश में आप। और हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 1, 2, 3, इंग्लिश में 1, 2, 3, 4 पढ़ते थे, हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब अंग्रेजी में हम गिनती लिखते हैं यानी इंग्लिश में तो ऐसे लिखते हैं, तो जब हिंदी गिनती लिखी जाती है उन्हें ऐसे लिखी जाती है, ठीक। तो ये शब्दों में लिखा जाता है, इस गिनती को हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। ये बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना तो सबको आता होगा। फिर देखिए अब ये क्या है, और ये कितने हैं? 1, तो आप क्या लिखेंगे? 1, है ना। फिर देखिए ये कितने हैं, चलिए गिनते हैं, 1, 2, तो कितने हो गए? 2 हो गए। फिर अब ये कितने हैं? 1, 2, 3, और 3 मैंने आपको कैसे बताया था लिखना, ता काफी बड़ी की बात है और ना, क्या हो गया? 3। फिर देखिए ये, अब चलिए इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये कितने हो गए? 4। फिर देखिए, फिर आप आगे देखते हैं, अब चलिए इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और देखिए 5 मैंने कैसे बताया था लिखना आपको, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 5, है ना। फिर देखिए ये क्या है, ले
तीन चार पाँच छः छः। अब छः आप कैसे भी लिख सकते हैं, या तो कैसे कैसे भी लिख सकते हैं, है ना। फिर छः के बाद इनको देते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात। सात कैसे बताया था आपको लिखना, ये तीन कितने हो गए सात। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आप इसको गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ आठ। तीन कितने हो गए आठ, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी कितने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। नौ कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। और दस ऐसे लिखा जाता है ना। तो आपको क्या करना है, इनकी पिक्चर्स भी कॉपी में ऐसे ही बनानी है, और कुछ ऐसे पिक्चर्स तो आपके बुक में भी दे रखी है, उनको गिनना है और उनके आगे ऐसे ही लिखना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब इनको भी आपको ध्यान देना होगा कि हिंदी हिंदी जब लिखी जाएगी तो जो आप अंग्रेजी में इंग्लिश में वन बनाते हैं उसे हिंदी में ऐसे बनाते हैं एक, जैसे आप अंग्रेजी में इंग्लिश में टू बनाते हैं उसे हिंदी में ऐसे दो बनाया जाता है और दो कहा जाता है। फिर इंग्लिश में जैसे आप थ्री बोलते हैं उसे हिंदी में तीन बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फोर बोलते हैं उसे हिंदी में चार बोलते हैं, फिर जिसे आप इंग्लिश में फाइव बोलते हैं उसे हिंदी में पांच बोलते हैं, फिर देखिए इंग्लिश में जिसे आप सिक्स बोलते हैं इसे छह बोलते हैं, किसमें हिंदी में। फिर देखिए इंग्लिश में जिसे आप सेवन बोलते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं सात, तो जिसे आप इंग्लिश में एट कहते हैं उसे हिंदी में कहते हैं आठ, जिसे आप इंग्लिश में नाइन कहते हैं उसे हिंदी में कहते हैं नौ, फिर जिसे आप इंग्लिश में टेन कहते हैं उसे हिंदी में कहते हैं दस। अब उन्हें कैसे बनाया जाता है ये भी आपको देखना होगा, देखिए एक कैसे बना है, दो कैसे बना है, तीन कैसे बना है, चार कैसे बना है, पांच कैसे बना है, छह कैसे बना है, सात कैसे बना है, आठ कैसे बना है, नौ और दस कैसे बना है। इंग्लिश में लिखा है ऐसे आप हिंदी हिंदी को लिखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमको इसकी हिंदी हिंदी को लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। उस हिंदी हिंदी को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं उसको लिखना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर ऐसे ही कुछ चित्र आपकी बुक पे भी बने हुए हैं उनको देखना है और उनको गिनना है, यानी उनको काउंट करना है, फिर लिखना है कि वो संख्या में कितने हैं। अभी इसको देखने के बाद अभी उसको भी आपको बता देती हूँ, आपकी बुक दिखा के बता दूंगी, तो उसके बाद आप अपने बुक को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बोल बता दूंगी कि क्या है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद आपकी जो बुक पे दे रखी है, चलिए उसको भी दे रखी है, देखिए आपकी बुक में दे रखा है ना। पहले देखिए एक चित्र बना है, ऊपर देखिए पहले सबसे पहले और गिनने के बाद इंग्लिश में गिनती जैसे आप लिखते हैं वो दे रखी है, क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर देखिए उसके नीचे मैंने जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। फिर उसके नीचे आइए, देखिए आप शब्दों में लिखा हुआ है ना, एक दो तीन चार पाँच
छः सात आठ नौ दस। जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया, पहले इंग्लिश वाली गिनती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हिंदी वाली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर शब्दों में दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अभी ये सारी चीज़ें बोर्ड पे दिखाई आपको, फिर कुछ चित्र बनाकर भी मैंने आपको दिखाया। अब जो मैंने आपसे बोला था कि आप घर में करिएगा, ये रहा, आपकी बुक में भी ऐसे दे रखा होगा, है ना। तो देखिए पहला चित्र किसका है, अनानास का है, और उसको गिनिए, देखिए कितने हैं, एक है ना। तो देखिए अनानास कितना है, एक है, तो इसके आगे लिखा है एक अनानास, है ना। फिर देखिए दूसरा चित्र दे रखा है, देखिए इसको गिनिए, एक दो। अब ये दो क्या है, किसका चित्र है, तरबूज का। इसके आगे क्या लिखा है, दो तरबूज। ऐसे ही आपको भी अपनी किताब में लिखना है, ठीक है। फिर देखिए नीचे, एक दो तीन। अब तीन क्या है, ये संतरे, तो इसको हम लोग लिखेंगे तीन संतरे, तीन संतरा। फिर देखिए एक दो तीन चार, क्या है ये, सेब, तो इसको लिखेंगे चार सेब। फिर नीचे गिनिए, एक दो तीन चार पाँच। पाँच क्या है ये, आम, तो क्या लिखेंगे इसे, पाँच आम। फिर आगे देखिए दूसरे साइड, चलिए इसको गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। लेकिन छः क्या है ये, अमरूद, तो क्या लिखेंगे यहाँ, छः अमरूद। फिर इसके बाद आगे गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। लेकिन सात क्या है ये, अनार, तो इसको क्या लिखेंगे, सात अनार। फिर देखिए नीचे लिखिए, नीचे गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। आठ क्या है ये, नाशपाती, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आठ नाशपाती। फिर गिनते हैं आगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। लेकिन नौ क्या है ये, केले, तो यहाँ लिखेंगे नौ केले, है ना। फिर नीचे गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। लेकिन दस क्या है ये, अंजीर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दस अंजीर। तो देखिए कितना आसान था इनको गिनना, है ना। ऐसे ही देखिए आपको क्या करनी है, अपनी बुक निकालनी है, उसमें पेज नंबर ये आओ गिनो वाला पार्ट खोलना है, उसमें इनको गिनना है और उनके आगे लिखना है कि ये कितने हैं और क्या हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या है, अपनी बुक को लेना है, आओ गिने पाठ निकालना है, और उसमें दिए गए चित्रों को गिनना है, उनकी संख्या उनके नाम को लिखना है। ओके।